और विधानसभा में आज जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया उस पर ज़्यादा जानकारी के लिए इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मनोज सोनोने। मनोज सोनोने जी, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मनोज सोनोने जी, हाँ बोलिए बोलिए। जी आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही, तो आप हाँ बताएं कि किस तरीके से विधानसभा में आज अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। आज सुबह प्रश्नोत्तर काल खत्म होते ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने यह प्रस्ताव रखा, अविश्वास प्रस्ताव रखा। इस पर विपक्ष के नेता कांग्रेस बीजेपी के नेता धर्म बृजमोहन अग्रवाल, इन्होंने जी इसके अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा शुरू की। 84 मुद्दों पर ये अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है और इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए हैं सरकार के ऊपर और राज्य की आर्थिक बदहाली, ये सारे मुद्दे इसमें दाखिल किए गए। साथ ही महत्वपूर्ण मुद्दा मुद्दा जो बिंदु है वो है कि मुख्यमंत्री पर अपने ही मंत्री का विश्वास नहीं रह गया। इन सारे 84 मुद्दों को लेकर अविश्वास प्रस्ताव दाखिल किया गया है। मनोज जी, अगर ये चर्चा कितनी लंबी चलने वाली है? क्या शाम तक चलेगी ये चर्चा? विधानसभा के अध्यक्ष ने इसको 5:30 बजे तक का समय दिया है इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए, लेकिन जिस तरह से सदन में दोनों 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 पक्ष और विपक्ष की तरफ से एक दूसरे पर आरोप मढ़े जा रहे, तो लगता है कि ये 7-8 बजे तक अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लेकिन अगर एक बात कहे कि अगर विधानसभा में सदस्यता को लेकर देखा जाए जी तो कांग्रेस के पास स्पष्ट बहुमत है जी और सिर्फ विपक्ष के पास 19 सदस्य है, तो ऐसे में ये अविश्वास प्रस्ताव पर का क्या हश्र होगा ये हम जान सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी आपका, और ज़्यादा जानकारी के साथ आप बने रहिएगा, फिर हम आपसे बात करेंगे। तो भूपेश बघेल के कार्यकाल में ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है।